नमस्कार, आप देख रहे हैं 12 राशियों का राशिफल। मैं हूं आपके साथ खुशी, आपके शुभ चिंतक, जो आपके दिनचर्या और होने वाले शुभ और अशुभ संकेतों से आपको रूबरू कराएगी। आज का दिन बेहद खास है, इसी पर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप आपके सितारे चमकाए, सेहत संकेत और सोच कैसे बिगाड़ सकता है केतु। अगर केतु से बचना है तो जरूर देखिए 12 राशियों का राशिफल, आपके ग्रह कैसे बदल सकते हैं और कैसे आपके सितारे चमका सकते हैं, यह पूरी जानकारी आज हम आपको दूंगे। तो पहली बार शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष, जिन बातों पर आपका नियंत्रण है ऐसी बातों पर ही ध्यान दें। आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव संभव है। जीवन में डिसिप्लिन बढ़ाना होगा, काम करते समय सतर्क रहना होगा। अभी की गई मेहनत आपका अगला फल कुछ ही दिनों में आपको प्राप्त होगा। अगर करियर की बात करें तो करियर में स्थिरता दिलाने वाले अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। लव रिलेशन में बदलाव न होने से थकान आ सकती है। हेल्थ की अगर बात करें तो खान पान के लिए आपको बदलाव करना आपके लिए असर पर सेहत भी कर सकता है, सेहत पर असर भी कर सकता है। वृषभ, पुराने विचार को छोड़कर खुद में बदलाव करें। जीवन में शांति होने से अन्य कामों पर भी ध्यान देना संभव होगा। जिन कामों में दिक्कत हुई वह आपके पक्ष में हो सकते हैं। अधिदात्मक बातों पर ध्यान देकर आपका तनाव दूर किया जा सकता है। अगर वही करियर की बात करें तो व्यापार संबंधी नई शुरुआत हो सकती है। अगर लव की बात करें तो रिलेशन में आपका कई समय कठिन भी हो सकता है। खुद पर ध्यान देते समय आपको ध्यान भी देना है। वही अगर हेल्थ की बात करें तो पेट पर इन्फेक्शन या तकलीफदायक हो सकता है। मिथुन, अपनी भावनाओं को ठीक से व्यक्त करें। आप खुद को अकेला ना समझें। कुछ लोग आपके साथ संबंध बेहतर बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। वही अगर आप अपने द्वार पर नए दायरे भी कर सकते हैं तो उसमें भी आपका संभव नहीं है। अगर किसी भी समस्या का समाधान आपको तुरंत मिलना भी मुश्किल हो सकता है। अगर वही करियर की बात करें तो काम डेडिकेशन का बढ़ा कर रखना हो सकता है। लव और परिवार की बात करें तो वही पार्टनर आपसे जो रिश्ता है वो सुधरेगा। अगर हेल्थ की बात करें तो इम्यूनिटी पर ध्यान देना होगा। कर्क, आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। वहीं पर वक्त व्यक्त करने में आप अनेक काम कर सकते हैं। अपनी योजना को ध्यान में रखें और खुद को विचलित ना होने दें। जितनी भी मेहनत आप करेंगे परिस्थिति उतनी ही आसान बनेगी। आपके डेडिकेशन और प्रयत्न से आपके जरिए जीवन में कोई और नई बेहतर दिशा भी आपको मिल सकती है। वही अगर करियर की बात करें तो विदेश में काम का मौका मिल सकता है। अगर लव की बात करें तो रिलेशन की अभी आप अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। विवाह भी तय हो सकता है। अगर हेल्थ की बात करें तो सेहत में सुधार होगा। शरीर की गर्मी बढ़ाने वाली चीजें खाने से बचें। सिंह, भविष्य संबंधी बातों में स्पष्ट नहीं होगे। जो काम आपने किए हैं उस पर ही ध्यान देना। आपके लिए वर्तमान पर फोकस करें। वही अगर आपको लाभ की बात करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अपनी परिस्थिति मजबूत बनाएं। अन्य बातों पर आपको बदलाव करने की बहुत जरूरत है। परिस्थिति को बेहतर बनाने के अवसर भी मिल सकते हैं। पिछली बातों को भूलकर नई उम्मीद के साथ आप काम करें। करियर की बात करें तो काम संबंधी नाराजगी भी आपको दूर हो सकती है। अगर लव की बात करें तो पार्टनर संबंधी चिंता भी हो सकती है। उनकी काबिलियत पर आप विश्वास रखें। हेल्थ की बात करें तो आपका शरीर पर डिहाइड्रेशन हो सकता है। कन्या, जिद्दी स्वभाव के कारण आप बड़ी समस्या आपके लिए आप दूर कर सकते हैं और हार ना माने। अगर आप उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे तो जरूर आप उस पे अच्छा सफलता पाएंगे। परिस्थिति में आपको बदलाव करना होगा। साथ ही आपके साथ में परिवार के लोगों से आपको प्रशंसा भी प्राप्त हो सकती है। सभी परिवार के किसी भी व्यक्ति को पैसे की मदद सोच समझ कर करें। व्यक्तिगत जीवन से भी जिन बातों में आप कमजोर महसूस करते हैं वो बातें जल्दी बदलने सकते हैं। अगर करियर की बात करें तो काम संबंधी प्रसन्नता होगी। फिर भी कोई नयापन लाने की आपको आपके द्वारा प्रयत्न किया जा सकता है। अगर लव की बात करें तो अविवाहित लोगों के लिए आपका विवाह संबंधी चिंता सता सकती है। हेल्थ की बात करें तो शारीरिक कमजोरी के कारण आप जानने के लिए डॉक्टर की जांच करवाएं। तुला, काबिलियत न होने के बाद भी गलत चुनाव करने से आप नुकसान में हो सकते हैं। संयम बनाए रखें और अपनी सुसंगत सुधारने की कोशिश करें। जिन लोगों के साथ आप प्राप्त करना चाहते हैं उनके साथ आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं वैसे आप तो अपने जीवन में आगे ही बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों के साथ अपना समय बिताने की कोशिश करनी चाहिए। अगर करियर की बात करें तो काम की गति धीमी नजर आ रही है और निराशा दूर करने की कोशिश भी करें। अगर लव की बात करें तो जिस व्यक्ति से आपके लिए आकर्षण महसूस कर रहे हैं उससे अच्छी तरह से परख कर ही आगे बढ़े। अगर हेल्थ की बात करें तो एसिडिटी से या फिर पेट संबंधी आपको चिंता सता सकती है। वृषभ, एक जैसी परिस्थिति न होने से आप निराशा हो पा सकते हैं। जो लक्ष्य आप प्राप्त करेंगे उसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं तो उसमें रुकावट भी आ सकती है। किसी समस्या का हल अचानक प्राप्त हो सकता है। मेहनत जारी रखें। परिस्थिति आपके लिए जल्द ही नहीं बदलेगी। अगर करियर की बात करें तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए नए काम की खोजना कर पड़ सकता है। अगर लव की बात करें तो रिलेशन संबंधी तनाव भी दूर हो सकता है। अगर हेल्थ की बात करें तो बदलते वातावरण का असर आपके सेहत पर भी हो सकता है। धनु,
नाराजगी दूर होगी और नए अवसर आपके लिए आपका द्वार पर आ सकते हैं। आज कमजोर महसूस होगा लेकिन आपकी स्थिति का फायदा उठाने के लिए अन्य लोग बैठे ही हुए हैं। इस बात का भी ध्यान रखें, परिवार के लोगों का साथ हर बात उनसे शेयर करते रहें। और अगर वही करियर की बात करें तो निर्णय को अमल में लेना ही आपके लिए कठिन महसूस हो सकता है और थोड़ा सा आप प्रयत्न भी करना ना छोड़े। वही अगर लव की बात करें तो पार्टनर का सकारात्मक नजरिया देखने की कोशिश करें। अगर हेल्थ की बात करें तो बुखार भी आ सकता है। मगर तय की गई नई योजनाओं पर टिके रहे, अगर थोड़ी भी तकलीफ होती है तो उसे जरा सहन करने की आप क्षमता बनाए रखें। इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके लिए आपके पीछे आपकी फैमिली भी है। अगर करियर की बात करें तो काम से जुड़े हुई दुविधा दूर करने का रास्ता आपके लिए प्राप्त हो सकता है। अगर लव की बात करें तो पार्टनर के साथ वक्त बिताने का मौका मिल सकता है, इस कारण आप प्रसन्नता रहेंगे। अगर हेल्थ की बात करें तो आपको गर्मी के कारण एसिडिटी भी हो सकती है। काम आसान होने के बाद भी आपके द्वार पर नई गलतियां की वजह से कठिनाई महसूस हो सकती है। कई नई व्यक्ति से मदद लेने से आपका काम भी आसान हो सकता है और समस्या भी दूर हो सकती है। एकाग्रता न होने से काम में देरी हो सकती है। अगर वही करियर की बात करें तो अन्य लोग आपके लिए काम में इस प्रकार सहायता करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप हेल्थ की बात करें तो पेट में जलन बढ़ सकती है। मीन को प्रसन्नता देने वाली बहुत सी बातें हो सकती है। अचानक किसी व्यक्ति के साथ आप पिकनिक भी या नई जगह पर जाने की भी योजना बना सकते हैं। एकांत में बिताया गया समय आपको आनंद ही देगा। मानसिक तनाव दूर होने की कोशिश करें। जो विचार बार बार आते हैं उस पर ही ध्यान देना जरूरी है। करियर की बात करें तो परिचित व्यक्ति के साथ व्यापार संबंधी बातचीत हो सकती है। अगर आगे चलकर इस पर मिलकर भी काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर लव की बात करें तो पार्टनर की आपके लिए द्वारा तकलीफ दूर किया जा सकता है, वो प्रयत्न भी कर रहे हैं। अगर हेल्थ की बात करें तो सेहत संबंधी दिक्कत भी आ सकती है और उस पर ध्यान दें। अगले प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कैसे आप आपका सही करियर चुनने के क्षेत्र में अपनी किस्मत चमकाए। इसी बीच हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे इसी समय से जगह। तब तक के लिए देखते रहिए एमएलएस की खास पेशकश। नमस्कार।